करेला, बैंगन, ये उन सर्टन डिशेस में से है जिसे बच्चे हमेशा ना कहते हैं। बट वेल, दिस इनोवेटिव एंड ईजी बैंगन भरता रेसिपी इज गोइंग टू बी अ हिट एट योर होम। तो चलो आज बनाते हैं इनोवेटिव एंड टू यमी बैंगन भरता तिरंगा विद द फूड स्टोरीज बाय अदिति जोशी। बैंगन भरता तिरंगा बनाने के लिए हमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 2 बैंगन, 2 फाइनली चॉप्ड अनियंस, 2 फाइनली चॉप्ड टमेटो, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1/2 बोल बॉइल्ड पालक पेस्ट। पालक बॉईल करते वक्त इसे बिना पानी के बॉईल करें एंड इसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ज़रूर ऐड करें, इससे पालक का कलर रिटेन रहेगा। 1/2 बोल बॉइल्ड कॉर्न, 1/2 बाउल चॉप्ड कैप्सिकम, 2 चॉप्ड हरी मिर्च, 4 से 5 कड़ी पत्ता। बैंगन भरता तिरंगा बनाने के लिए हम सबसे पहले बैंगन में कट्स कर लेंगे विद अ नाइफ एंड इसे रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसे क्लीन एंड स्मैश कर लेंगे एंड 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। व्हाइट बैंगन भरता बनाने के लिए हम एक बोल लेंगे एंड इसमें हम 1 पोर्शन ऑफ रोस्टेड बैंगन ऐड करेंगे। नाउ वी विल ऐड क्रश्ड गार्लिक अराउंड 1 टेबलस्पून, 2 चॉप्ड की हुई हरी मिर्च, अप्रोक्स 1/2 चॉप्ड किया हुआ अनियन, नमक स्वाद अनुसार एंड 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इफ़ यू विश यू कैन ऐड बॉइल्ड एंड स्मैश्ड पोटैटोज टू इट, दैट इज ऑप्शनल। एंड अ वाइट बैंगन भरता इज रेडी। ग्रीन बैंगन भरता बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल हीट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग, 3 से 4 कढ़ी पत्ता एंड 2 टेबलस्पून क्रश्ड किया हुआ लहसुन की कलियां। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अनियन, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमेटोज, देन वी विल ऐड चॉप की हुई कैप्सिकम एंड कॉर्न एंड इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड बैंगन, सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड पालक पेस्ट। इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट स्पाइसी आप इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। नाउ ऑरेंजिश रेड बैंगन भरता बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल हीट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग, 1 चॉप किया हुआ अनियन, 2 टेबलस्पून क्रश्ड लहसुन, 3 से 4 कढ़ी पत्ता। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चॉप किया हुआ टमेटो, इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। Now we will add roasted बैंगन to it and mix it well. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी एंड स्वाद अनुसार नमक। इसे मिक्स करके लेट इट कुक फॉर 2 to 3 मिनट्स। प्लेटिंग के लिए वी विल प्लेस इट इन अ तिरंगा पैटर्न एंड गार्निश इट विद फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर। यू कैन एंजॉय दिस रेसिपी विद हॉट रोटीज और पराठास। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, जो हमें यकीन है आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जब भी सुपर डिलीशियस इनोवेटिव एंड झटपट रेसिपीज अपलोड करें आपके मोबाइल में घंटी बजती रहे।